अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर और सब्जेक्ट है हमारा साइंस। टॉपिक है हमारा द ह्यूमन बॉडी। आज हमने पेज नंबर 7 करना है और इससे पहले हमने बुक पेज नंबर 6 से ह्यूमन हार्ट के वोट किया था। ठीक है, कि ह्यूमन हार्ट जो है उसके क्या फंक्शंस हैं, कितनी उसकी चैम्बर्स हैं, किस तरह से वो वर्कआउट करता है, ये सारा हमने किया था। आज आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 7 जो है उसको ओपन करें। ठीक है, बुक पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 बुक का। ठीक है, और उस पेज नंबर से हम आज ये वाला क्रॉसवर्ड पजल जो है, एक्टिविटी जो है हमारी, वो करेंगे। ठीक है, ये सामने मैंने वहाँ ड्रा किया हुआ है, इसको देखें। आज हम इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1 है हमारा कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड में अक्रॉस है और एक डाउन। अक्रॉस मीन्स कि हमने इसे सीधे को जाना। ठीक है, और डाउन मीन्स कि हमने ऊपर से नीचे को, यानी कि नीचे वाली साइड पे आना है। तो वो है नंबरिंग 4 और 6। नंबर 4 में सीधा हमने इसको सॉल्व करना है, नंबर 6 में भी हमने इसको सीधा सॉल्व करना है। इसके बाद नंबर 1, 2, 3 और 5 में, ठीक है, नंबर 1, 2, 3 और 5 में हमने डाउनवर्ड नीचे को इसको सॉल्व करना है। तो चलिए नंबर 4th वाला जो है अक्रॉस में पहले उसको देखते हैं। द राइट डैश इज द चैम्बर इन द टॉप राइट साइड ऑफ द हार्ट। अब राइट साइड पे हार्ट की जो राइट साइड है उसके टॉप पे जो चैम्बर है उसका क्या नेम होता है, हम यहाँ से अपनी बुक का पेज नंबर 6 ओपन करते हैं और वहाँ से देखते हैं। ठीक है, बुक पेज नंबर 6 पर आप देखें, राइट साइड पर जो हमारी चैम्बर है उसका क्या नेम है, राइट एट्रियम। टॉप पे, टॉप मीन्स कि ऊपर। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो हमारी राइट साइड पे चैम्बर है उसका क्या नेम है, राइट एट्रियम। इस वजह से हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे नंबर 4 में, एट्रियम, एट्रियम। और इसी तरह से जहां पर नंबर 4 लिखा हुआ है यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। आपने एक बॉक्स के अंदर एक वर्ड लिखना है, ए टी R I U M, एट्रियम। कभी हमारा वर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब आगे नंबर 6, ब्लड विद डैश इज सेंट अराउंड द बॉडी। कि कौन सा ब्लड जो है वो बॉडी को भेजा जाता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है या जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। तो जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, ज्यादा ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वही हम लोग बॉडी को भेजते हैं ना, वही हमारी बॉडी को भेजा जाता है ना हार्ट के जरिए से। यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या वर्ड मेंशन करेंगे हम, ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पर नंबर 6 कौन सा है, ये दिस वन। अक्रॉस सीधे को जाएंगे, ओ एस Y G E M, ऑक्सीजन। तो मेरा हर एक बॉक्स के अंदर एक एक लेटर आ गया, तो मींस मेरा ये वर्ड जो है बिल्कुल ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। अब जो डाउनवर्ड है वो करेंगे। डाउन में सबसे पहले नंबर 1, द लेफ्ट डैश इज द चैम्बर इन द बॉटम लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट की जो बॉटम लेफ्ट साइड है, यानी कि लेफ्ट साइड में जो बॉटम में, यानी कि सबसे नीचे जो चैम्बर है उसका क्या नाम है। अब हम लेफ्ट साइड वाला देखते हैं। ठीक है, पेज नंबर 6 पर ये देखें, ये लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड पर ये देखें, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो मुझे बताएं कि नीचे वाली साइड पर कौन सी है, वेंट्रिकल है या एट्रियम है। वेंट्रिकल है ना लेफ्ट साइड पे बॉटम पे, तो हम क्या मेंशन करेंगे यहाँ पर, वेंट्रिकल। अब नंबर जो हमारा 1 है, नंबर 1 में क्या आएगा, वेंट्रिकल। ओके, यानी कि लेफ्ट साइड पर जो सबसे नीचे वाली चैम्बर है हमारे हार्ट की वो क्या है, वेंट्रिकल। अब यहाँ पर नंबर 1 में ये यहाँ हम लिखेंगे वी ई एन टी आर, पहले मेंशन है, टी आर आई सी एल और ई भी पहले ही मेंशन है। तो ये भी हमारा एक एक वर्ड जो एक एक लेटर जो है वो एक एक बॉक्स में आ गया, तो ये वर्ड हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे नंबर 2 है, योर हार्ट डैश अबाउट 37 मिलियन टाइम्स अ ईयर। एक साल में आपका हार्ट जो है वो 37
रिपीट करते हैं ना, तो नंबर टू में क्या आ जाएगा, बीड्स। ठीक है, तो हमारा हार्ट जो है वो 37 मिलियन टाइम्स क्या करता है, बीड्स करता है। तो नंबर टू में यहाँ हम क्या लिख देंगे, बीड्स, बी ई ए पहले ही मेंशन है, टी एस बीड्स। ओके, आगे नंबर थ्री है, ब्लड विद आउट ऑक्सीजन इज सेंड टू द डेड। वो वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, यानी ये वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है वो किसको भेजा जाता है, पहले तो जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है वो बॉडी को भेजा जाता है ना। अब यहाँ पर आया कि जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है वो कहाँ भेजा जाता है, हमारे लंग्स को, ताकि लंग्स के अंदर जब हम ब्रीथिंग करते हैं ऑक्सीजन आती है तो वो ऑक्सीजन दोबारा ब्लड के साथ मिल जाए। यहाँ हम क्या मेंशन कर देंगे, लंग्स। अब नंबर थ्री में ये जो नंबर थ्री है यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, लंग्स। एल यू पहले ही मेंशन है, एन जी एंड एस लंग्स। ठीक है, ये वाला वर्ड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे नंबर फिफ्थ है, द हार्ट जॉब इज टू पंप डैश अराउंड योर बॉडी। हार्ट की क्या जॉब होती है, उसने क्या करना होता है, हमारी बॉडी को क्या चीज जो है वो भेजनी होती है, पंप करनी होती है। तो क्या भेजता है हमारा हार्ट, हमारी बॉडी को ब्लड पंप करता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ब्लड। ओके, अब नंबर फिफ्थ रह गया, वहां पर भी हम इसको मेंशन करेंगे, बी एल डबल ओ ए ओ मैंने यहाँ मेंशन किया, एक पहले ही मेंशन था, और डी ब्लड। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉसवर्ड पजल जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सेम एज ऐसे ही आपने इसको अपनी बुक पर भी सॉल्व करना है। ये देखिए आप बुक का पेज नंबर 7, और यहाँ पर इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। ऊपर यहाँ पर भी मेंशन करना है जैसे मैंने यहाँ किया है, और फिर इसको इधर भी ऐसे सारा सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करें, कल इंशाल्लाह ताला हम आगे बुक पेज नंबर 8 करेंगे अपने लंग्स के अबाउट, कि हमारे लंग्स क्या करते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। थैंक यू।